हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया है। मैंने ब्लाउज़ की लेंथ रखी है 13.5 इंच है और 3 इंच की चौड़ाई पर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लेते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड से देखिए मार्किंग कर दी है। अब गले का लेंथ लेंगे तो 11 इंच पे हम मार्किंग करेंगे गले का लेंथ। अब जितना मैंने मार्क किया है सबको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर देते हैं। अब मैं गले के डिज़ाइन का मार्क करूँगी। तो मैं कैसे डिज़ाइन का मार्क कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने पूरे डिज़ाइन की मार्किंग कर दी है। अब यहीं से हम कट करेंगे। तो देख लीजिए, मैंने पूरे गले को कट कर दिया है और मैंने ये एक और अस्तर लिया है। तो मैंने जो बचे हुए अस्तर थे उनको ज्वाइंट करके इसको बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इसको भी सेम वैसा ही कट करेंगे जैसे मैंने पहले वाले अस्तर को कट किया हुआ है। अब मेरा गला देखिए पूरा कट चुका है दोनों का। तो हम इन दोनों को बिल्कुल बराबर में फैला लेते हैं। तो मैंने बराबर में फैला लिया, अब इसको हम स्टिच कर देते हैं। तो देख लीजिए, मैंने पूरा अस्तर को बराबर करके स्टिच कर दिया। अब इसमें मैं कट्स लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरा कट्स लगा दिया, इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पूरा सीधा कर दिया। अब इसको मैं एक सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पूरा सिलाई लगा के अच्छे तरीके से अस्तर वाले डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर दिया है। अब इस पे जो मुझे ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है तो मैं ब्लाउज ले लेती हूँ। बिल्कुल बराबर में फैला देंगे इसके ऊपर ब्लाउज को। अब हम पूरा जो है अस्तर का जहाँ से वो बिल्कुल बराबर में कॉर्नर से हम स्टिच करेंगे। तो पूरा हम इस डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में स्टिच कर देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने पूरे डिज़ाइन को जो स्टिच कर दिया है गले को पूरा ब्लाउज के साथ में। अब हम पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे तरीके से अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करके पूरा हम स्टिचिंग कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। तो देख लीजिए, मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। अब मुझे इसका गला कट करना है। तो बिल्कुल बीच से देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया और 3 इंच की यहाँ से हम मार्किंग करेंगे ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में 3 इंच की चौड़ाई पे मार्किंग कर देते हैं। अब बराबर की स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा और इधर साइड से बिल्कुल बराबर करके राउंड नेक का मार्क कर देंगे। अब मैं राउंड नेक देखिए पूरा कट कर ली हूँ इसका। अब मुझे गला बनाना है। तो इसकी जो मैंने अस्तर का कपड़ा गले में से निकला था उसकी मैं देखिए क्रॉस कटिंग करके पट्टियाँ कट कर ली हूँ। अब इन पट्टियों को हम बिल्कुल बराबर करते हुए एक दूसरे के साथ में स्टिच कर देंगे। तो देखिए, मैंने पूरा पट्टियों को स्टिच कर दिया है।
अब मुझे इसे गले को पे जो है इस पट्टी को स्टिच करना है, तो डबल फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर लेते हैं पहले पट्टी को। देख लीजिए मैंने पट्टी को डबल फोल्ड किया है, फिर इसके बाद हम ब्लाउज के जो बिल्कुल कॉर्नर में गले के साइड से स्टिच करेंगे। तो पूरे गले पे इस तरीके से देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ, सेम ऐसे आपको भी करना है। और अगर आपने मेरे चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो देख लीजिए मैंने पूरे गले पे पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब मुझे इसे दूसरे साइड से फोल्ड करके पूरा स्टिच फिर से करना है। तो बिल्कुल कॉर्नर से अस्तर के स्टिच कीजिएगा दूसरे साइड से, अच्छे तरीके से गले को बनाते जाइएगा और स्टिच करते रहिएगा। तो देख लीजिए मैंने पूरे गले पे जो है पट्टी को स्टिच कर दिया है कम्प्लीटली। अब मुझे गले को जो डेकोरेट करना है तो मैं ये लैस ले लेती हूँ और पूरे जो है गले पे स्टिच करूँगी। सबसे पहले मैंने जो डिज़ाइन कट किया उसके ऊपर मैं लैस स्टिच कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैं डिज़ाइन पे स्टिच कर रही हूँ, जहाँ से भी हमने थोड़ा सा कॉर्नर करके डिज़ाइन बनाया वहाँ पर लैस को फोल्ड करके कॉर्नर कर लीजिएगा। इससे हमारा डिज़ाइन सेम वैसा ही दिखेगा जैसा मैंने कट किया है। ये देख लीजिए मैं फोल्ड करके फिर वहाँ से स्टिच कर रही हूँ जहाँ से हमारा जो है कॉर्नर आ रहा है। ये देख लीजिए मैंने पूरे गले पे लैस को स्टिच कर दिया, सॉरी डिजाइन पे। अब दोनों साइड से देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ लैस को, ऐसे आपको भी करना है। तो देख लीजिए कम्प्लीटली मैंने इस साइड से भी लैस को स्टिच कर दिया है। अब मुझे गले पे लैस लगाना है तो मैं दूसरे डिज़ाइन की पतली वाली लैस यूज़ कर रही हूँ। आपको भी पतली लैस यूज़ करना है गले पे और अच्छे तरीके से पूरे गले पे लैस लगा दीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डिज़ाइन है और स्टाइलिश डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ और ये वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो डिज़ाइन बनाई है मेरे सब्सक्राइबर को अच्छा लगे, मुझे इससे बहुत ही खुशी मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। और अगर आप कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी design.22 को फॉलो कर लीजिए। मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हो, कोई भी ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।